चुटकुला सुना था। एक लड़की थी, एक लड़की थी, हनुमान जी तो उड़ के जाते थे, ये क्या रख रखा तुमने? ये गाड़ी गुड़ी थोड़ी लेते थे, हनुमान जी तो उड़ के जाते थे। इसकी डिग्गी में क्या संजीवनी पड़ी है? जी हाँ संजीवनी है, जिससे कि हम मर जाए तो खुद पी ले। जिसने क्या किया, एकदम चक सीना पूरी पूरी बॉडी में करंट सा मार के उसको स्लूप मारा, और जैसे स्लूप मारा उसको और उसने भी स्लूप मारा, ठीक है तुम जाओ। पर इंसान तो आईपीएल दूध बहुत जल्दी पी लेता, पकौड़ा नहीं खत्म। हनुमान जी से मुंह भी तो बनाना ना फिर। Guys, this boy is amazing. Amazing, very amazing. अरे कितनी बार कान पकड़ चुका है। Guys, he is very amazing. Guys, क्या है तुम? कान पकड़ दिए सारे। कपड़े गरीब सारे का आया कर। भाई, आज का व्लॉग मेरे ख्याल ये आखिरी व्लॉग था। पहला और आखिरी था। अब ये हमसे मिलता रहेगा। ड्रॉप कर दे, ये चाबी पड़ गई। उसका दिमाग कम काम करता है। आओ युद्ध करो। तुम बहुत, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम जैसा बच्चा उनके घर पैदा हुआ। पता है? अरे भाई तुम्हारे पास कुछ और भी है। पिज्जा खाता है तू? तुझे मैं पिज्जा बना के खिलाऊंगा यार, चल आना कल मेरे पास। शी इज हिज मॉम, और इनके पापा से तो आप मिल ही चुके, उनको तो हवलदार बना के रखता ही है, ये खुद एसपी लगा हुआ है। वैसे मैं डर गया था, मुझे लगा तू चॉकलेट खाता नहीं होगा और तू मुंह पे मना कर देगा। लाइल भाई भी डांट डूट के मेरे को खा लेते हैं ना, बस ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू बॉस, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय चॉकलेट्स एंड चिप्स, आई होप यू लाइक इट व्हेनेवर यू ईट देम। अरे बस चुटकुला सुना था। एक लड़की थी, वो जा रही थी शेर का शिकार करने। 5 साल की लड़की थी, शेर का शिकार करने जा रही थी। तो वो बीच में रुक गई। उसके भाई ने पूछा कहाँ जा रही है, बोली मैं डंडा लेके शेर का शिकार करने जा रही हूँ। बोले तो जाना यहाँ पे बर्ड देख, क्या देख रही है तू? बोले वहाँ पे कुत्ता खड़ा है। अरे भाई वहाँ पे कुत्ता खड़ा है, तू शेर का शिकार करने जा रही है और वहाँ पे कुत्ते से डर रही है, तू क्या आदमी है? नारायण। तो मैंने भी बगीना रख रखा है, तू डरता तो नहीं कुत्तों से? तो बगीना से तो डरेगा? बगीना से मैं नहीं डरता, बगीरा मोगली वाला भैया वाला डॉगी है, पिटबुल। पिटबुल 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 नहीं, पिटबुल नहीं है, लैब्राडोर है, ब्लैक वाला। बचपन में तो खेलता था उसके साथ। उसको भी मारे जैसी गुट्टी कोई मिली हुई है, वो भी नहीं बढ़ रहा। नहीं, एक आदमी ने पूछा कि तुम एक लड़की से कि तुम कोक पी रही हो और उस कोक में मच्छर है, तो तुम क्या करोगी? वो कोक में से निकलेगा तो वो तुम्हें क्या कहेगा? क्या कहेगा बताओ? क्या कहेगा भाई? कोक में से मच्छर निकलेगा, कोक में से मच्छर निकलेगा तो हमें क्या कहेगा? कोक में से मच्छर कुछ बोलेगा? माँ हाँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कोक से निकला है। वाह बेटे, मौज कर दी। इसको तो डेली मेरे पास भेज दिया करो, ये कुछ भी करे कोई नहीं, चिंता नहीं है ना, इसको ले जाया करो। हाँ लेके जाया करूंगा मैं, बस मेरे को बता दिया करो फ्री का। और जब भी नहीं तो ऑब्वियसली भेज दिया करूंगा, मतलब भेज दिया करूंगा। बाइक कटवा लेना जैसे दोस्त बोले। नहीं नहीं नहीं, शकीरा को शकीरा बना देंगे। शकीरा वो तो बाद में पता लगेगा, अभी बाप बैठा है ना। चल तेरी क्लास लग आ गए।
अमेजिंग भाई। कोई नहीं कोई नहीं, अब अगली बार लेंगे, इसको भेज दिया करो आंटी मेरे पास, ठीक है? जनरली जब फ्री होगा ना, ये फोन करेगा तो नीचे से इसको ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं अकेले, नहीं मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, नीचे से भी नहीं, यहाँ से घर से लेके जाऊंगा इसको। ये ओवर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, कल कोई बात नहीं, इतना तो मेरे को फंक्शन हो, मैंने देखा है, नहीं मेरा तो बचपन से इसके साथ बड़ा हुआ है, इसके बचपन से नहीं। जितना मर्जी इसमें क्रोध गुस्सा अहंकार हो, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ये। कबीर जैसे ही है, कबीर भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। नहीं नहीं सर, बहुत प्यार से, भैया के जाने के बाद वो इसका वो हमारा अलग, वो हमारा अलग है, वो हमारा इंडस्ट्री वाला फेज है, वो हंसी मजाक इंडस्ट्री वाला फेज है। हाँ करे और क्या, एनर्जी तो निकालनी होती है ना, तो हम निकलवा दे, कोई नहीं, तेरी बगीरा से दोस्ती करेंगे। पकौड़े भी, थैंक यू सो मच, पोहा इतना टेस्टी। और मैं बोलू नहीं, बुलाया था भाई, यहाँ से इसका इन्विटेशन था कि सुबह आओ। मैं तो वहाँ बैठी थी, सर वहाँ बैठे थे, हम अपने ऐसे ही बातें कर रहे थे छुट्टी के लिए, एक घंटा तो लड़ते रहे, मैं कहा उसने बच्चे ने कह दिया कोई दिक्कत ना हो। नहीं, हमें ये हो रहा था कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नहीं, नहीं, नहीं। ये सबसे बेस्ट है, कल से मिलते हैं। दोस्त है बस, कभी दोस्त है, ठीक है, कल से लेने आऊंगा मैं तेरे डेली। यही तुम्हारा टैलेंट है, यही निकाल दो, तुम मेरे पीछे कहाँ पड़े हो? नहीं पड़ा, चलो के भाई आएगा ना कल, बाय। पापा को साथ, नहीं नहीं अंकल कोई नहीं, बस ओके बाय। ऑलराइट गाइस, तो हम फाइनली अब अपने घर जा रहे हैं, मम्मी पापा को करनाल निकलना है, और बहुत मज़ा आया। यो बवाल छोरा कति एक नंबर है भाई, इसके सारे व्लॉग देखिए, जब जब मेरे व्लॉग में आओगे मैं फीचरिंग में डालूंगा बावड़ा छोरा या बवाल छोरा एक नंबर का, ठीक है? ओके भाई, बाय बाय।